हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो डर्बीशायर और डरहम के बीच में जो मैच खेला जाएगा, इस मैच की बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड मैं आप ऊपर की सारी वीडियोस दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो T20 प्लस के चारों मैचेस में कवर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। बाकी ये मैच कवर करने के बाद फ्रेंड मैं आप जिस तरीके आप देख रहे हो मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, 8% रह गया, तो इस बैटरी में मैं बाकी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अभी ये मैच कवर करने के बाद यहाँ पे आपको 3 मैचेस कवर, थोड़ा लेट कवर होंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इनकी भी वीडियोज आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, बट ये है कि थोड़ा लेट मिल पाएगी क्योंकि थोड़ा फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जहाँ पर मैं हूँ। तो नीचे जाएगा चार्ज होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। तो बात करते फ्रेंड इस मैच के बारे में, ऊपर के जो जितने भी मैसेज है फ्रेंड ये भी मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ, और आपने नहीं देखी तो हमारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। दोनों वुमेंस के दोनों मैचेस कवर कर चुका हूँ, TNPL के दोनों कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल में बने रहें, नीचे चैनल में वीडियोज़ में जाके इन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। और बाकी फ्रेंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा क्यों जरूरी है, तो अधिकतर लोग जानते ही हैं तो, बट फिर भी बता दूंगा। बाकी टीम मैंने इसके बना के मैं आपको टीम दिखाया था कि टीम मेरी क्या क्या रहने वाली, क्या कॉम्बिनेशन वाला सब कुछ यहाँ पर बताया गया। पिच के बारे में बस जरूरत है तो आपकी ध्यान से सुनने की, अब सुनते क्या हो तो वो डिपेंड करता आप पे कि आप वीडियो को पूरी देखते हो या आधी देखते हो या खाली टीम देख के चले जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता। मेरा काम है आपको वीडियो देना, आपको सजेस्ट करना, आपको गाइड करना, वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपका काम है वीडियो देखना। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो पूरी, अगर अदरवाइज आप स्किप करके देखना चाहते हो तो देखो भैया, मना भी नहीं कर सकता मैं तो, क्योंकि मेरे हाथ पर कुछ है नहीं। थक जाता हूँ कह कह के वीडियो को बिना स्किप करके देखा करो, बाद में हार जाते तो बस ब्लेम करने के लिए आप डायरेक्टली मेरे पास आ जाते कि भाई तेरी टीम से हार गया। तो कोई नहीं फ्रेंड, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसा कर सकते हो। टीम मैंने यहाँ पर बना रखी है, टीम आपको दिखाता हूँ। मैच खेला जाएगा फ्रेंड डर्बी में, डर्बी शहर का होम ग्राउंड है, डर्बी में मैच खेला जाने लगा और बहुत तगड़ा मुकाबला हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पर स्कोर 200 प्लस भी जा सकता है इजीली, इस बात को ध्यान में रखना, उसी हिसाब से अपनी टीम यहाँ पर क्रिएट करना मैक्सिमम हो सके। तो यहाँ पर ऑलराउंडर और बॉलर से जाने, ऑलराउंडर और बैट्समैन से जाने की कोशिश करना, बैट्समैन वो जो काफ़ी अच्छी यहाँ पे हिटिंग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपनी टीम को बनाना है। जो मुझे बेस्ट लगे हो मैंने प्लेयर्स रखे हुए हैं, अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है तो आप हमारी टीम से जा सकते हो, अदरवाइज इसमें एक या दो चेंजेस अपने खुद के करके आप एक खुद से एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो। तो जो 5 बैट्समैन ले रखे हैं जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिया यहाँ पे, और बाकी जो खेलने वाले हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा कौन कौन खेलने वाला है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे बता देंगे आपको, क्या रिकॉर्ड रहने वाला है, किसका कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताया जाएगा। भाई वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करके देखें, और बाकी फ्रेंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको हर मैच की टीम अपडेटेड टीम टॉस होने के बाद जो वहाँ पर, क्योंकि टॉस होने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो जाता, तो फिर टॉस होने के बाद जो टीम आपको दी जाती है वो टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तुरंत वीडियो नहीं बन सकती टॉस आने के बाद, इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा, तो वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी फ्रेंड बात करता है पीटर हैंडकॉम को मैंने यहाँ पर रखा हुआ, दूसरे मैंने यहाँ पर जो बैट्समैन है वैटसन है, उसके बाद पोलय को रखा हुआ, चौथे जो बैट्समैन है यहाँ पर ग्राहम क्लार्क को रखा हुआ, और 5वें जो बैट्समैन मेरे यहाँ पर रहने वाला स्कॉट स्टील। बाकी फ्रेंड अब बात कर लेते हैं खेलने की, ऐसे ऐसे प्लेयर है फ्रेंड आप उनको मिस नहीं करना चाहोगे, काफ़ी ज़्यादा खेलने वाले प्लेयर हैं यहाँ पे, रिस्क आपका रहेगा किसको लेके किसको रखना है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कौन कौन खेलने वाला है, तो अपने रिस्क पे जाना है किसको रखना है किसको हटाना है आपकी मर्जी है, और प्लेयर्स ऐसे ऐसे हैं आप उनको हटाना नहीं चाहोगे। जैसे बिली गोल्डमैन है, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, अगर रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद एलेक्स ली हैं, इनको रखना चाहते हो रख सकते हो, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं ये भी। बाकी यहाँ पे कोई खास प्लेयर है नहीं, हडसन को अगर रखना चाहते हो तो ये भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, एक ओपनिंग आता है देखिए। बाकी आपकी मर्जी आपको किसको रखना है किसको नहीं रखना। आप देखिए फ्रेंड 3 प्लेयर तो हैं आगे, जैसे हडसन हो गए, उसके बाद ऊपर यहाँ से एलेक्स ली हो गए, उसके बाद तीसरे यहाँ पे बिली गोल्डमैन हो गए। अब फ्रेंड इनको कौन मिस करना चाहेगा, इतने अच्छे प्लेयर है, बट अब क्या करें, इतने बॉलर बैट्समैन तो रख नहीं सकते, तो मिस तो करना ही पड़ेगा, और फ्लॉप भी इनमें से ज़रूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, इतने में से 8 बैट्समैन से, तो 8 में से जरूरी नहीं कि 8 के 8 चले, 8 में से फ्लॉप भी होंगे, तो अब लक आपका रिस्क आपका कि कौन फ्लॉप होता है और कौन चलता है, ठीक है। बाकी जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए, 2 ऑलराउंडर जो बेस्ट मुझे लगे वो मैंने रख लिए, रिसे को रखा हुआ है, DRC शॉट को रखा, बाकी अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हो, किसी को भी नीचे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, किसी को भी सजेस्ट मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, आप जिसको रखना चाहते हो रख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि
ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो यहाँ कोई भी फिर से बी रहने को मैंने यहाँ पे मिस कर रखा। देख रहे हो फ्रेंड, वन डाउन प्लेयर आते हैं, काफ़ी अच्छे बॉलिंग भी करते हैं, बट क्या करें यहाँ पे प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं, किसको रखें किसको ना रखें, कन्फ्यूजन हो रही है। ऐसे मैचेज में आप रिस्क लेके ग्रैंड लीग खेलते तो ग्रैंड लीग के लिए आपके बेनिफिट हो सकता है, ग्रैंड लीग में आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए मैं इस मैच को सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बैटिंग बॉलिंग में, बैटिंग में, और ऊपर से पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता तो इसलिए कुछ भी हो सकता। तो आप अपने हिसाब से अपने टीम्स को बना सकते हो। बाकी बात कर ले फ्रेंड बॉलर्स की, बॉलर्स में जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए, जो लगता है मुझे कि मार तो यहाँ हर बॉलर खाएंगे, जहाँ तक ख्याल है मुझे हर बॉलर में मार पड़ेगी, पर जो मुझे लगता है कि ये विकेट्स भी ले जा सकते हैं तो इसलिए मैंने इनको रखा हुआ। बाकी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा कि कौन कौन आप यहाँ पर किस किस को यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बॉलर से बात। उससे पहले फ्रेंड अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग प्ले स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा जिसे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो। उसे हेड टू हेड या ग्रैंड लीग किसी में भी 100% यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता बल्लेबाजी कैसे खेलना तो हमने उसके लिए बल्लेबाजी और प्ले स्पॉट कैसे खेलना तो हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के हमारे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी हमारी, तो उसमें देख के आप देख सकते हो कि किस तरह की बल्लेबाजी और प्ले स्पॉट में पॉइंट सिस्टम है क्या है, सब कुछ उसमें बताया गया डीपली। थोड़ी लंबी वीडियो फ्रेंड मगर बताया सब कुछ गया। और नेक्स्ट मंडे से मैं आपको प्ले स्पॉट की भी टीम से यहाँ पर दिया करूँगा, तो उसके लिए तब तक आप अपने प्ले स्पॉट पर साइनअप करके रखिए ताकि आपको उसकी टीम यहाँ पर मिल सके। तो बॉलर्स में फ्रेंड रामपॉल को रखा हुआ है मैंने, बाकी यहाँ पर दूसरे जो मैट पॉट्स को रखा हुआ है, काफ़ी मार पड़ती है इनको भी, बट क्या करें रिस्क है मेरा रिस्क है। अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ से इनकी जगह नाथन रिमिंगटन को रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ मैट वॉट के साथ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरे बॉलर जो है हमारे यहाँ पर बी क्रेस को मैंने रखा हुआ है, 8 क्रेड में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आपको यहाँ से बता दूँ कौन कौन खेलना है, जो जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं यहाँ से, इन दोनों का खेलना नहीं खेलना कंफर्म नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रिमिंगटन है आपके पास ऑप्शन, ये नहीं खेलने वाले, ये नहीं खेलने वाले। रिमिंगटन के अलावा यहाँ पर वैन वीक खेलने वाले, इनको ले सकते हो, ये भी नहीं खेलेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं खेलने वाला। उसके बाद यहाँ पर वेगल भी नहीं खेलने वाले, मैट एम्पॉट्स यहाँ पर खेलने वाले, एम्पॉट्स को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों नहीं खेलने वाले, उसके बाद यहाँ से कोई भी फ्रेंड यहाँ पे नहीं खेलने वाला। अगर आप रखना मत गलती से भी, अगर ऐसी साइड पे भी खेलते जहाँ पे आप टॉस होने के बाद चेंज नहीं कर सकते, ऐसी साइड पे भी इनको मत रखना। बाकी यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर जो मैंने बताए गए हैं यही ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास बनाने लेने के लिए। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो इनमें से किसी और को ले सकते हो। इनके अलावा बाकी जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस की बात करें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दो, और साथ ही में सब्सक्राइब जरूर करना। अगर बेल आइकन ऑन करना चाहते हो बेल आइकन ऑन कर सकते हो, हमारी हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगी, और कोशिश करते हैं हम सारी वीडियोज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ। कैप्टन यहाँ पर मेरे DRC शॉट और वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पर स्कॉट स्टील रहने वाले हैं। बाकी अगर आप बनाना चाहते हो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, ग्रहम क्लार्क, वेनी मेडिसन, पीटर हैंडकॉम, पोले को बहुत ज़्यादा ऑप्शन है फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, अगर जिसको बनाना चाहते हो बना सकते हो। रीसे भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे, टाइम पे खेलने आ जाते हैं, आई थिंक सेकंड राउंड या ऐसे खेलने के लिए आ जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी फ्रेंड इस मैच में हेड टू हेड 3 मेंबर ये पूरा रिस्क रहने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके पास वो प्लेयर ना हो और उसके पास हो और आपका प्लेयर 5-7 रन बना के आउट हो जाए और उसका प्लेयर यहाँ पर 50+ कर जाए, तो फ्रेंड वहीं आपकी हार कन्फर्म हो जाएगी। अगर ऐसा उल्टा हो गया तो उसका 0 लग गया है और आपका 50+ कर जाए तो वहीं आपकी जीत कन्फर्म हो जाएगी। तो ये मैच ऐसा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा हेड टू हेड 3 मेंबर, लेकिन आप खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैप्टन सर DRC शॉट और वाइस कैप्टन स्कॉट स्टील रहने, ग्रैंड लीग आप मैच में खेलो तो आप, मैं आपको कह सकता हूँ कि ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर आपकी रैंक अच्छी खासी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, मेरी बैटरी भी खत्म हो गया, ये वीडियो अपलोड करनी जरूरी है, तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।